नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. रीडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम पास्ट वन मंथ. एक्चुअली ज्योग्राफी इज़ माय ऑप्शनल, सो आई वाज वेरी मच इरिटेटेड विथ इट. व्हाट टू से, लाइक पूरा माइंड मेरा फुल हो गया था एंड आई रियली नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम सच ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स. तो ज्योग्राफी के अलावा मैंने सोचा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10-15 दिन का, और उस दौरान मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी. सो आई स्टार्टेड रीडिंग स्पेक्ट्रम. आई डिसाइडेड टू कंप्लीट स्पेक्ट्रम विद इन 10 डेज एंड इफ पॉसिबल अर्लियर ऑल्सो. तो हियर इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ब्लॉग बिकॉज आई वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज बिजी स्टडिंग, सो आई डिडंट गॉट एनी टाइम टू रिकॉर्ड माई सेल्फ थ्रू दैट. सो आई रिकॉर्डेड सम क्लिप्स विच आई विल बी शोइंग ऑफ हियर. Not showing off, but I'll would be uploading in this very video. तो अभी हम जैसे स्पेक्ट्रम रीडिंग कर रहे हैं, आधा स्पेक्ट्रम मैंने रीड कर लिया है, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो इसलिए मैंने जहाँ से अभी पढ़ना चालू किया है वहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दैट आई कैन शो यू गाइस कि हाउ आई कंप्लीटेड माय स्पेक्ट्रम. So I guess it's already the 3rd day or 4th day when I am reading spectrum and I'm not reading geography optional. तो मैं जब भी spectrum पढ़ती हूँ ना, तो मैंने actually ये modern history है, तो मैंने modern history का एक particularly separate notes नहीं बनाया. कुछ कुछ parts मैंने बनाया होगा 1-2 pages में, but most of it I always write in the blank side of the that particular page only, so that कि और highlight भी कर देती हूँ, so that कि अगर मुझे next time read करना हो तो मैं सीधे direct वहाँ जाती हूँ और highlighted portion में जाती हूँ. दैट गाइस, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट अ बुक विच आई रिसेंटली फाउंड अबाउट, दैट इज क्वांटम जंप बाय सर डॉक्टर नितिन सांकिया, हु इज ऑल्सो अ ब्यूरोक्रेट फ्रॉम 2019 batch, एंड ही हैड रिटन दिस बुक एंड आई रियली फाउंड दिस बुक वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑल द डेटास, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एट वन प्लेस ओनली. लाइक एवरीथिंग यू विल गेट, लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग. देर आर ब्यूटिफुल माइंड मैप्स ऑल्सो. तो अभी मैं इसको अपने स्पेक्ट्रम के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करूँगी, नॉट अ सब्स्टिट्यूट बट ओनली अ कॉम्प्लीमेंट. सो मैंने ये बुक बाय की थी परमेस यूनिवर्सल इंडिया पब्लिकेशन से एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस, और आप देख रहे हो जैसे इसमें डेटा सारा, फैक्ट्स, फिगर बहुत अच्छी तरह से कंपाइल्ड किया गया है इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, लाइक फॉर इकोनॉमिक सर्वे कितना बजट एलोकेट हुआ एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. इनफैक्ट बजट को अलग से एक्सप्लेन किया है एक पर्टिकुलर सेक्शन बना के विद प्रॉपर चार्ट्स एंड फ्लो डायग्राम्स. अभी मैं इस बुक का भी रेफरेंस लूँगी स्पेक्ट्रम पढ़ने के दौरान, बिकॉज इस बुक में हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल मैप्स बने हुए हैं. सारा कुछ बताया गया है कि ब्रिटिश टाइम में कौन कौन से एम्पायर्स थे उस टाइम जो थे इंडिया में, एंड कहाँ कहाँ ब्रांचेस था ब्रिटिश का, पोर्टुगीज का, डच का, बहुत अच्छे से बताया गया है एंड प्रॉपर क्रोनोलॉजी के थ्रू सारा मूवमेंट्स दिया गया है एंड ईच जनरल फॉर ईच वाइसरॉयस और गवर्नर जनरल्स, ब्यूटीफुल माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा एक्ट्स है, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट मेड थ्रू वेरियस स्टेजेस लाइक रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब भी बहुत अच्छे से माइंड मैप के थ्रू बताया गया है. हाँ, तो ये आप ये पेज देख रहे हो ना, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग के दौरान जो जो उन्होंने काम किए हैं या कुछ प्रॉपर मेजर इवेंट हुआ है उनके टाइम पे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है. तो आई रियली फाउंड दिस बुक वेरी ग्रेट. इफ़ यू गाइस ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दिस बुक, द लिंक ऑफ द सेम इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. तो ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे स्पेक्ट्रम के रीडिंग में. सो गाइज, प्लीज़ नोट कि एज आई हैव सेड दैट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर ब्लॉग, लाइक नॉट अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ब्लॉग विच आई एम शोइंग यू ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग वन बाय वन. रादर आई हैव रिकॉर्डेड सम क्लिप्स, और ये उसी में से कुछ क्लिप्स हैं, दैट हाउ आई हैड रिवाइज्ड और रेड स्पेक्ट्रम इन 8-10 days. एंड हाँ, एक और चीज़, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट रीडिंग है स्पेक्ट्रम का, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि स्पेक्ट्रम को
फर्स्ट रीडिंग में पूरा पूरा करने के लिए आपको 8 से 10 दिन लगेगा। मेरे के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे खुद 1 महीना लगा था स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करने का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छे से तो मुझे याद नहीं है कितना लगा था क्योंकि मैंने डेज काउंट नहीं किए थे, बट लगभग 1 महीना लगा था, या मे बी हो सकता है कि 1.5 महीना भी लगा हो। ये मेरा आई गेस 4th या 5th रीडिंग है, एंड उसी दौरान मैंने कुछ कुछ रीडिंग्स में कुछ कुछ चैप्टर भी स्किप किए थे, तो उस सब में मुझे इस रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा है। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर को स्किप कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ी था, आपको मैं उसके बारे में बताऊँगी। रीडिंग दिस चैप्टर इज़ अ बुक इन इट्सेल्फ। तो अभी मैंने बस इतना पेज कवर अप किया है, इतना, और अभी बाकी इतना सारा है, इतना पेज बाकी है। Guys, I must tell you that you can't afford to skip this chapter. That is chapter 39, which is the last chapter of Spectrum, and the title is After Nehru. तो इसको प्लीज मत स्किप करना। मैंने इसको स्किप किया था और इसको बिना पढ़े जाके प्रीलिम्स भी दिया था, तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। इस बार मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब सच में ये अपने आप में ही एक किताब है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आप जो हमारा 12th क्लास का NCERT है ना, उसको अवॉइड भी कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ यहाँ ऑलराउंडर एवरीथिंग दिया हुआ है, विथ ईच एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी टू मोदी जी, सब कुछ दिया हुआ है। उनके दौरान क्या क्या स्टेप्स लिया गया, कौन कौन से स्कीम्स निकाले गए, क्या क्या इंडिया पे सिचुएशन आया, सैंक्शंस एंड न्यूक्लियर टेस्ट, सब कुछ दिया हुआ है। तो मतलब एक तरह से ये क्या बोले कि छोटा पैकेट तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ बड़ा पैकेट और बड़ा धमाका ही है। तो प्लीज उसको स्किप मत करना, यू मस्ट रीड दैट चैप्टर। मैंने जो स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया है 10 या 8 दिन में, उसका आई गेस 20% टाइम इसी चैप्टर में गया है। मैंने ये चैप्टर को अकेले, मतलब ये चैप्टर ने अकेले 2 दिन मेरा लिया है कंप्लीट होने में, और ये वर्थ इट भी है क्योंकि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इस बुक में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ इट्स अपेंडाइसिस पार्ट, वेयर यू कैन सी बहुत सारा टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स तो नहीं, बट हाँ बहुत अच्छे से बताया गया है, जैसे कि कांग्रेस का एनुअल सेशंस, कौन उस सेशन में प्रेसिडेंट थे, उस सेशन में पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, तो सारा डिटेलिंग ये दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सारे जनरल्स या वाइस रॉयस का भी दिया हुआ है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, एंड कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे, जैसा कि वो जो मैंने पहला बुक रेफर किया था ना क्वांटम जंप, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसमें तो प्रॉपर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, बट इसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, तो आप ये सब भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ अवॉइड दिस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गंदा कर दिया है इसको, बिकॉज मैंने यहाँ पे जितना भी बुक का इसके आगे वाले पार्ट में मैंने पढ़ा ना, तो उसका समरी टाइप्स मैंने अपने से यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया ना, मैंने बुक में ही नोट्स बना दिया एक तरह से। सो इसलिए मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हैं कुछ कुछ, और एक तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समरी यहाँ पे अपडेट की हुई है। सो फाइनली एट द वेरी 10th डे आई कम्प्लीटेड माई लास्ट चैप्टर। तो इसके साथ मेरा स्पेक्ट्रम का रीडिंग कम्प्लीट हुआ। कुछ चैप्टर का मेरा ये पहला रीडिंग था, कुछ चैप्टर्स का ये मेरा 4th या 5th रीडिंग था, तो डैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो उसी के हिसाब से आप दिन भी ले सकते हो, जैसे कि मुझे 10 दिन लगा पूरा बुक पढ़ने के लिए। तो अब ज्योग्राफी ऑप्शन में वापस जाने का टाइम आ गया है, बट उससे पहले मैं एक दिन का अपने लिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाइज ब्रेक लूँगी, एंड देन उसके बाद बैक टू ज्योग्राफी।